हमारा क्वेश्चन है अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट इट्स प्रोडक्ट इज 18 व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस फाइंड द नंबर। ठीक है, तो आपका क्या दिया गया है, पहले इसने देखो आपको कभी भी खासकर ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको दो चीज का ध्यान रखना है, व्हाट इज डिजिट एंड सेकंड इज नंबर। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। तो इसने कहा अ टू डिजिट नंबर, तो टू डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, सपोज एक नंबर है एक्स एंड वाई, टू डिजिट है, ये हमारा क्या है यूनिट प्लेस, और ये नंबर क्या है हमारा टेंस प्लेस। ठीक है, तो ये तो हमारे डिजिट हो गए, क्या हो गए ये हमारे डिजिट। ठीक है, एंड इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर क्या होगा हमारा, इसका नंबर होगा हमारा 10x + y, ये आपका क्या है इट्स अ नंबर। ठीक है, आपको इस दो चीज के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं क्या करना है, तो डिजिट क्या है हमारा सिंगल, एंड नंबर क्या है जो फर्स्ट वाला होता है टेंस वाला, उसका मतलब होता है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो वो ये नंबर होगा आपका 10x + y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसने कहा अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट इट्स प्रोडक्ट इज 18 दैट मींस x * y इज इक्वल टू 18। क्या हुआ, xy इज इक्वल टू 18। ठीक है, x इज आवर टेंस एंड y इज आवर यूनिट, लेकिन हमको इसके अंदर x में लिखना है, तो y क्या होगा हमारा, तो y क्या होगा हमारा, y होगा हमारा 18/x, टेंस इज x, y इज 18/x। ठीक है, y क्या होगा हमारा 18/x इज हमारा यूनिट प्लेस, दिस इज आवर यूनिट, है ना। अब व्हाट इज नंबर, नंबर में क्या है हमारा 10 × x मींस हमारा हो जाएगा 10x + y इज 18/x, ये हमारा नंबर हुआ करेक्ट या ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ। अब इसने क्या कहा कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इस नंबर के साथ 63 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा आपका, तो उसने बताया कि डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस मींस क्या हो जाएगा y एंड x, तो नया इंटरचेंज। अब हम देखते हैं इंटरचेंज, जब हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया yx, जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा yx, है ना, तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स इज yx, व्हाट इज y, y इज 18/x * x, है ना x, ये दोनों हमारा है इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये डिजिट्स के साथ में हमारा ये है तो क्या होगा, अभी आगे नंबर क्या होगा, इसका नंबर होने के लिए हमने यहां पर देखा कि 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट टेंस वाले नंबर को, तो इसको भी हम वही करेंगे, तो हमारा हो जाएगा x * 10 + x। ठीक है, ये इंटरचेंज करने के बाद हमारा ये होगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 180
by x plus x, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं इसके हिसाब से, when 63 is subtracted from the number, that means इस नंबर के साथ आप इसको, इससे 63 को माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो हम वही लिखते हैं, 10x plus 18 by x minus 63 gives you this number 180 by x plus x, ठीक है। अब जितने भी x वाले हैं लेफ्ट में लेकर आते हैं और इस कांस्टेंट को राइट में लेकर जाते हैं, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 10x plus 18 by x minus 180 by x minus x is equal to 63, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 10x minus x is 9x, यहां पर 180 minus 18, 180 minus 18 आपका क्या आएगा, 162, तो हमारा आ गया माइनस 162 बाई एक्स इज इक्वल टू 63, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा x, तो ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर माइनस 162 इज इक्वल टू 63। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा नंबर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 162 इज इक्वल टू 63x, ठीक है। इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, इसको राइट में लेकर आएंगे, तो हमारा नंबर क्या आएगा, हमारा नंबर आ जाएगा, या हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 63x माइनस 162 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर क्या हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड, तो हम इस नंबर को 9 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा नया नंबर क्या होगा या नया इक्वेशन क्या होगा, हमारा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 कितना बच गया हमारा, 72 मींस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करोगे, 18 को स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, 2 × 9, तो 9 माइनस 2 इज 7, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन इज x, तो हमारा हो गया x माइनस 9, यहां पर कॉमन इज 2, तो हमारा हो गया x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट के बाहर वाला लेकर करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब x माइनस 9 इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9 हो गया। सेकंड है आपका x प्लस 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपका x आया माइनस 2, ठीक है। तो हमारे डिजिट्स क्या निकल के आए, हमारे डिजिट्स निकल के आए 9 एंड माइनस 2, ठीक है। लेकिन हमारे डिजिट्स नेगेटिव में नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस 2 को इग्नोर करेंगे। तो हमारा x निकला इज 9, व्हाट इज आवर x, हमारा x क्या है, टेंथ नंबर, तो हमारा इज एक हो गया 9, है ना, 9 निकल के आया, नंबर इज नंबर, ठीक है, हमारा एक निकला 9। एंड व्हाट इज y,
y is 18 by 2. तो 18 by 2, 18 by 9, sorry, 18 by 9. तो इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 2. तो नंबर is 92. ठीक है, 92 is our number.